नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज, खबर कोटपूतली से। सभी 13 परीक्षा केंद्रों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाली व्यवस्थाएं। रीट भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश भर से परीक्षा देने के लिए कोटपूतली आए अभ्यर्थियों को प्रथम पारी के बाद क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की ओर से भोजन पैकेट वितरित किए गए। निजी सचिव सतीश शर्मा ने बताया कि उपखंड क्षेत्र के सभी 13 परीक्षा केंद्रों पर 6000 से अधिक भोजन पैकेट अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके साथ आए परिजनों एवं ड्यूटी में लगे कर्मियों को वितरित किए गए। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद सैनी, वाइस चेयरमैन अशोक शरण वंसल, भोजराज यादव, सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर डीलर, राकेश सैनी, सुरेश यादव, साधुराम जाट, अमीचंद यादव, अनुराज वाल्मीकि, मोनू सैनी समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता अपना सहयोग देते रहे। वहीं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से दूसरे जिलों में परीक्षा देने गए अभ्यर्थियों को हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की ओर से निरंतर सहयोग प्रदान किया गया। हेल्पलाइन फिलहाल शुरू है। कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के किसी भी परीक्षार्थियों को प्रदेश के किसी भी जिले में कोई भी समस्या आने पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन की सुविधा सोमवार 27 सितंबर की शाम तक उपलब्ध रहेगी। कोटपूतली से विजय सैनी की रिपोर्ट।